आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइन, मैं हूं आपके साथ एम्बर रना। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अनुव्रत अधिवेशन का आयोजन अनुव्रत समिति दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी जैन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अणु विभाग के अध्यक्ष श्री संजय जैन मुख्य अतिथि तथा महामंत्री श्री बेगम सुराना विशेष अतिथि थे। सुप्रसिद्ध कावित्री डॉक्टर कृति काले ने अनुव्रत अनुशासिता को समर्पित काव्य पाठ किया। अनुशासिता श्रद्धांजलि वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शांति पटवारी ने दी। विज्ञात बैठक की कार्यवाही का वाचन उपाध्यक्ष श्री कमल बेगानी ने किया। अधिवेशन संचालन के साथ मंत्री प्रतिवेदन डॉक्टर कुसुम लूनिया ने प्रस्तुत की। अनुव्रत स्वर न्यूज बुलेटिन मुख्य अतिथि को लोकार्पण हेतु श्री वेदिता लूनिया ने भेंट की। भारत ब्लाइंड स्कूल एहसास अनुभूति ने अपनी प्रस्तुति दी। श्री शांति कुमार जैन, श्री बाबूलाल दुग्गड़, श्री सतपाल चावला, श्री रणजीत भंसाली, डॉक्टर धनपत लूनिया, श्री रतन सुराना आदि वरिष्ठ परामर्शकों के साथ कमल कल्पना सेठी, डॉक्टर अरुणा, डॉक्टर विवेश आदि मेडिकल कार्यकर्ता, डॉक्टर अरुणा, श्वेता, संगीता आदि अनेक अनुव्रत कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में चुनाव अधिकारी श्री विमल सुराना ने सर्वसम्मति से शांतिलाल पटवारी नव अध्यक्ष मनोनयन की सूचना दी। श्री हनुमान बेगानी जी ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय कुसुम बेगानी की समिति में अणु विभाग का प्रकाशन बच्चों का देश बाल पत्रिका को दिल्ली ज्ञानशाला के 500वें सदस्य तक पहुंचने में विशेष सहयोग की उद्घोषणा के साथ अधिवेशन संपन्न हुआ। एक व्यवस्था होती है, कार्यकर्ता सदैव मैं एक कार्यकर्ता मानकर अध्यक्ष एक व्यवस्था दी है, एक नेता एक सेनापति के हिसाब से मुझे एक दायित्व मिला है। उस दायित्व को मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अनुव्रत को और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने की चेष्टा कार्यक्रम हमने 5 साल में किए, आगे भी करते रहेंगे। जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला, ऐसा लगता है कि अनुव्रत के प्रति सबका एक समर्पण भाव है। चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ही होता। आचार्य से तुलसी ने कहा था कि मैं अभी तक युवक हूँ, 80 साल की उम्र में हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। और हम सबको ये धारणा है कि हम कार्यकर्ता रहेंगे, उम्र का कोई कमी नहीं। आज का जो ये कार्यक्रम है आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर व्यवस्थित रूप से। मैम, आज के अधिवेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से रहा आपका पूरा कार्यक्रम? हेलो, आज अणुव्रत समिति दिल्ली का वार्षिक अधिवेशन था हमारा। अणुव्रत अधिवेशन 2018 में अणुव्रत समिति दिल्ली ने कार्यकाल शुरू किया और आज इसकी संपन्नता। अधिवेशन होता है अतीत का सिंगार कर समीक्षा की हमने काम कैसे किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से सबसे शेयर करते हुए कि जिस तरह के हमने काम किए, लाल किला, राजपथ, राष्ट्रपति भवन से लेकर हमारे से कुछ आश्रम हो, अनाथालय हो, बाल जो बाल चिकित्सालय हो, बाल सुधार गृह हो, वहाँ तक हमने अनुव्रत आंदोलन को पहुँचाया, नैतिकता को पहुँचाया, नशा मुक्ति को पहुँचाया, शिक्षा में परिष्कार हो, चाहे व्यवस्था में परीक्षा हो, चाहे नेताओं के पास, MLAs के पास, हर जगह हमने अनुव्रत की बात पहुँचाई। और हमें खुशी इस बात की होती है कि जनरली हम देखते हैं कि नेताओं पर लोग खर्च करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि अनुव्रत मंगल मिलन हमारा आयोजन हुआ, उस आयोजन में सारा खर्च किया हमारे माननीय रामनिवास गोयल जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी विधायक निधि से हमने काम किया, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर का काम कर रहे थे। और इसी तरह हमारे राष्ट्रीय संसदीय मंच के संयोजक हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने चेन्नई से लेकर और बीकानेर तक अनुव्रत एक्सप्रेस चलवा दी। और जब दिल्ली विधानसभा आपकी सरकार, केजरीवाल की सरकार, उस सरकार ने इतनी आचार्य